रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 630 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस सामने आए थे, लेकिन फिर से 24 घंटों का आंकड़ा लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से पैर पसार रहा है देश में। एक बार फिर किस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है, कोरोना बम फूटा है, आप बीते 24 घंटों के आंकड़ों को देखेंगे तो समझेंगे। 1,15,700 नए केस सामने आए हैं और यहां पर देखिए कि किस तरह से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले अगर नजर डालें तो 4 अप्रैल वो तारीख थी जब 1,03,000 नए कोरोना केस सामने आए थे, लेकिन फिर 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं बीते 24 घंटों में और ये संख्या है जो नया आंकड़ा है बीते 24 घंटों का 1,15,700। साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि 630 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है बीते 24 घंटों में। महाराष्ट्र, आप जानते हैं स्थिति वहां पहले से ही जो है वो बदतर है, वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में 55,469 नए केस सामने आए हैं। तो लोग इस बात को समझ नहीं रहे, हम लगातार ये कह रहे हैं कि आपके लिए मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि इन आंकड़ों को वो लगातार बढ़ा रही है। देश में किस तरह से ये संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को संक्रमण अब ज्यादा हो रहा है। 24 घंटे में 1 लाख का आंकड़ा फिर से पार हुआ है देश में कोरोना के। ये बढ़ता हुआ संक्रमण, ये संख्या बढ़ती हुई एक बड़ी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र से तो और भी डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना बिल्कुल कंट्रोल हो ही नहीं रहा, क्योंकि लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं। और लगातार यहां पर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है तो दूसरी तरफ ये मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। मास्क लगाना लोग भूल गए हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और यही सारी चीजें हैं जो लापरवाही होती है लोगों की तरफ से, तो इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन इस बार कोरोना और भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना का आंकड़ा 1,15,000 को पार कर गया, ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। आलम यह है कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें नई रणनीति और गाइडलाइन बना रही हैं ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। यानी कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है, इस बार मामले और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 लाख के पार हो गए हैं नए मामले। आपको समझाते हैं आंकड़ों का खेल किस तरह से बता रहा है कि स्थिति बिगड़ रही है। 1,15,700 नए मामले बीते 24 घंटे में, 24 घंटे में 59,856 हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। 630 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई है। और देखिए किस तरह से 8,70,77,474 कुल केस पूरे देश भर में कोरोना के हो चुके हैं। 1,17,92,135 लोग हालांकि ठीक हो गए हैं, ये ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है। कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन उसके बाद ये इलाज के बाद ठीक हो गए। और 1,66,177 लोगों की मौत देश भर में अब तक हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। 8,43,473 एक्टिव केस पूरे देश भर में कोरोना के हैं। 8,70,77,474 लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। 8 करोड़ से ज्यादा का यह आंकड़ा जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और वैक्सीनेशन एक तरफ लेकिन बढ़ते हुए मामले एक तरफ। और चलिए अब आपको जो ताजा अपडेट है अलग अलग जगहों का वो भी बताते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कई जगहों से। रूफी जैदी हमारे साथ जो कि LNJP हॉस्पिटल में है इस वक्त, मुंबई का रुख करेंगे जहां से हमारे साथ प्रशांत हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी मेरे साथ हैं। अहमदाबाद का भी अपडेट लेंगे, मौलिक हमारे साथ वहां से है। लेकिन रूफी सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या है फिलहाल स्थिति, क्योंकि बीते 24 घंटे के आंकड़े तो बता रहे हैं कि ये स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है पिछली बार से भी ज्यादा।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिल्ली में कोरोना जो है वो फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो नवंबर के बाद सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो देखने को मिला है। 5100 जो नए मामले थे वो दर्ज हुए, मौत का आंकड़ा कल 17 रहा। हालांकि कल जो दिल्ली में टेस्ट है वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुए, 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। लेकिन एक तस्वीर जो मैं आपको यहां से दिखाऊंगी, दिल्ली का LNJP अस्पताल जो कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पे जो तस्वीर है वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। मास्क या तो लोगों ने लगाया नहीं है, और अगर लगाया है तो वो नाक के नीचे है। ये बेहद डराने वाली स्थिति है। आप ही सोचिए, अस्पताल से कुछ ही कदमों की दूरी पर लोग यहाँ पर आते हैं, खड़े होते हैं, खाना खाते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर लोगों के अंदर कोरोना का डर नहीं रहा और अगर वो इसी तरह से अपना बर्ताव करते रहे तो स्थिति दिल्ली की कितनी खराब हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो कोरोना का संक्रमण दर है वो भी बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो मौत का आंकड़ा था वो 21 पहुंच गया था, कल जब हेल्थ बुलेटिन आया शाम को तो उसमें जो मौत का आंकड़ा था वो 17 पहुंच चुका है। 5100 नए मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी दिल्ली में डरने के लिए तैयार नहीं है। आप ही सोचिए, मैं दिल्ली के उस अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ जो सबसे बड़ा दिल्ली में कोरोना का अस्पताल है, वहां पर भी लोगों में कोरोना संक्रमण का डर नहीं है। यहाँ पर हमें ऐसी तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं जहां पर लोगों ने ठीक से मास्क नहीं लगाया है, और यहाँ पर वो अस्पताल से कुछ ही कदमों की दूरी पर संक्रमण के डर से बेखौफ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मास्क नीचे नाक के नीचे लगाकर घूम रहे हैं। तो जब तक ये जो डर है कोरोना को लेकर वो लोगों के मन में वापस नहीं आता, तब तक ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, और दिल्ली का जो आंकड़ा है वो लगातार हम बढ़ते हुए देखेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर दिल्ली के लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। और यही दुखद है, यही दुखद है रूफी, कि आखिर लोग ये समझ क्यों नहीं रहे कि कोरोना अगर बढ़ रहा है तो क्यों, क्योंकि उनकी लापरवाही सामने आ रही है। अब रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत, महाराष्ट्र की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, वहां से तो हम देख रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि आंकड़े सबसे ज्यादा अगर खतरनाक है किसी राज्य के भारत में तो वो है महाराष्ट्र। सही कहा आपने, पूरे अगर देश की अगर बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो 50% जो आंकड़ा है जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। तो मुंबई में भी कल का आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है तो 10,030 जो मरीज है वो पाए गए, उसमें से 31 लोगों की जो है मौत हो गई है। और आज भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, डे में भी कुछ सिर्फ एसेंशियल सर्विस छोड़ के किसी को भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, और इसके चलते हुए जो रोड की जो यातायात है वो बरकरार है, मगर उसी में भी रात को 8 बजे के बाद जो है सिर्फ एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों को ही और घर से बाहर निकलना है उनको ही ट्रैवल करने के लिए अनुमति दी गई है। मगर आप दूसरी तरफ देखें तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ बना रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं बना पा रहे हैं, और इसके चलते ही ये कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मगर और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो मुंबई के मेयर है, मेयर ने कल ही बयान एक जारी किया है कि उनके मुताबिक जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीन की संख्या भी कम बताई जा रही है, 2 या 3 दिन तक का जो स्टॉक है वही मुंबई में अवेलेबल है ये भी बताया जा रहा है। और इसके चलते हुए कल आज भी गवर्नमेंट से बात की हुई है कि थोड़ा सा जो वैक्सीन का जो है वो मुंबई को दिया जाए। सरकार की कोशिशों के साथ साथ लोगों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। लोग अगर इस बात को समझेंगे नहीं तो उन तमाम कोशिशों पर पानी फिर जाएगा, और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, 4 अप्रैल को डराने वाला आंकड़ा आया था और एक आज की तारीख है, 1,00,000 का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस कर गया नए मामलों की बात करें तो। देखिए, जिस तरह का रोजाना कोरोना संक्रमण का डेटा आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, इतना आंकड़ा तो बीते साल जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी और ये महामारी पीक पर सितंबर के महीने में, तब भी 1,00,000 को पार नहीं किया था। आप देखिए कि मध्य फरवरी से लेकर और अभी तक, यानी मार्च और अप्रैल की शुरुआत है, तकरीबन 1 महीने 20 दिन में क्या हालात हैं, यानी कहां 8,000 तक कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन आ गए थे और कहां अब 1,15,000 के ऊपर पहुंच गए हैं।
कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले जो 4 सप्ताह हैं वो बेहद क्रिटिकल हैं देश के लिए। आज भी देखिए जो 1,15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं उसमें 55,000 से ज्यादा महाराष्ट्र का योगदान है, यानी लगभग जो संक्रमण के मामले देश भर में आ रहे हैं उसमें 50% यानी आधे मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बता दूं अगर आंकड़े आते रहे तो ये महामारी बेकाबू भी हो सकती है, इस तरह की पूरी संभावना है। हालांकि केंद्र इसके लिए कदम उठा रहा है, देखिए 3 राज्यों में कल फिर से टीम भेजी गई है, महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की तरफ से टीम भेजी गई है, छत्तीसगढ़ में टीम भेजी गई है और पंजाब में टीम भेजी गई है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और वो भी तब, देखिए 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, इसके बावजूद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगले ही 1 या 2 सप्ताह में जो एज लिमिट है वैक्सीनेशन की उसको कम किया जाए, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। उच्च स्तर पर विचार चल रहा है और जल्द ही एज लिमिट भी घटाई जा सकती है क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति देनी है, इस पर भी केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोग अपना सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिनको सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसलिए महामारी बेकाबू होती जा रही है। जी, सब कुछ जानते हुए भी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन्हें मास्क पहनना है, लोगों से दूरी बनानी है, भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे, वाकई बड़ा सवाल है। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, मौलिक धमेजा वहां से। मौलिक, वहां की क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं वहां पर और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह के आंकड़े हैं वो कोरोना संक्रमित के गुजरात में भी बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पे 20 अलग अलग राज्यों के जिलों में हेल्थ बुलेटिन जो है वो लगातार देखते हुए ऐसा जानने मिला है कि वहाँ संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए नाइट कर्फ्यू जो है उसमें 1 घंटे की मोहलत जो है वो बढ़ा दी गई। इसीलिए 20 अलग अलग जिलों में आज से रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। साथ ही साथ आज नया हेल्थ बुलेटिन आएगा, इसके पहले जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसकी बात करें तो गुजरात में कल ही 3,280 नए केस सामने आए थे और साथ ही साथ 17 लोगों के एक ही दिन में मौत पाए गए हैं। 2,167 लोग जो जिंदा वापस घर पे जा सके हैं कोरोना के चलते। साथ ही साथ सरकार की जो कल मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है जिसमें और नए जो सुझाव है वो आ सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी निर्देश किए थे कि जिस प्रकार से गुजरात में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है वो गंभीर परिस्थिति हो सकती है और इसीलिए लगातार जो परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन जरूरी लगता है, पर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। तो आज जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें कई अलग अलग आंकड़े दिख सकते हैं, साथ ही साथ सरकार कुछ नई नीतियां जो है वो भी बना सकती है आगे के दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल देखें तो लोगों को जो गंभीरता देखनी चाहिए वो गंभीरता फिलहाल नहीं दिख रही है, इसीलिए कोरोना का संक्रमण जो है वो बारी बार गुजरात में और गुजरात के अलग अलग जिलों में जो है वो बढ़ता जा रहा है। खास अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में एक ही दिन में 3,000 के ऊपर केस जो है वो सामने आते हैं। ये आंकड़े हैरान करते हैं, एक ही दिन के आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन बावजूद इसके लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो शायद कोरोना खत्म हो गया, जो बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की है। और लगातार जी न्यूज अपने दर्शकों को इसे लेकर आगाह भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है जहां पर मास्क नहीं पहने एक शख्स को पुलिस वालों ने जमकर पीटा। बीच सड़क पर पुलिस वाले शख्स को उसके बच्चे के ही सामने बुरी तरह पीटते रहे। इस दौरान बच्चा अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन वो नहीं सुना। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां पर हौज खास इलाके में कुछ युवकों को पुलिस ने मास्क के लिए टोका तो उन्होंने पुलिस की ही पिटाई कर। दोनों तस्वीरें देखिए। तो एक इंदौर की तस्वीर है, दूसरी दिल्ली की। इंदौर में एक व्यक्ति मास्क जब वो नहीं पहने हुए था तो पुलिस वालों ने उसको बेरहमी से पीटा बच्चे के ही सामने। बच्चा रोता भी लगता रहा है, पिता को छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन पुलिस नहीं मानी। लेकिन दूसरी तस्वीर थोड़ी अलग इसीलिए क्योंकि यहां पर केस उल्टा है। कुछ युवकों को दिल्ली के हौज खास इलाके में पुलिस ने जब मास्क पहनने के लिए कहा तो किस तरह से वो पुलिस पर ही टूट पड़े। तस्वीरें देखिए। ये इंदौर में
एक मास्क पहनने के लिए बोला गया, लेकिन उसके बाद किस तरह से यहां बेरहमी की गई एक शख्स के साथ, जमकर पिटाई हुई है उस शख्स की। मास्क ना पहनने को कहा गया, लेकिन मास्क नहीं पहनने के बाद जब थोका गया उसके बाद ही मामला बढ़ा और पुलिस ने जमकर पीटा है। तो एक शख्स को इस तरह से बेरहमी से पीटने की तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। बच्चे के साथ एक पिता बिना मास्क के जा रहा था। देखिए, मास्क पहनने पर आप जुर्माना लगा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बेरहमी करना कि सड़क पर ही बुरी तरह एक व्यक्ति को पीटना, उसका बच्चा बगल में खड़े होकर ये लगातार गुहार लगाता है कि पिता को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते और देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा जाए। मास्क ना पहनने के लिए इस तरह का सलूक आखिर क्या जायज है? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।